हेलो फ्रेंड, ठीक है चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आप सभी बहुत नाराज़ चलते होंगे फ्रेंड, क्योंकि बहुत दिनों से आप सभी के लिए टेक्निकल क्वेश्चन एक भी नहीं आया है फ्रेंड, बहुत दिनों से। लेकिन अब फ्रेंड आप सभी के लिए टेक्निकल क्वेश्चन जो लाया जा रहा है वो बिल्कुल ही रेगुलर क्वेश्चन होगा और सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि अभी 1 से 2 मंथ में फ्रेंड सभी टेक्निकल एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आप सभी को क्वेश्चन अच्छे से तैयार करके रखना होगा फ्रेंड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है फ्रेंड कि ड्रिल का एन टाइप हेलिक्स एंगल होता है। तो फ्रेंड ड्रिल का जो एन टाइप हेलिक्स एंगल होता है आप सभी जानते होंगे फ्रेंड कि इसका इसका जो होता है फ्रेंड वो होता है 16 से 30 डिग्री के बीच में होता है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर फ्रेंड। कि क्वेश्चन 2 ये बोला है फ्रेंड कि लैपिंग या होनिंग सरफेस का CLA मान क्या होता है। तो फ्रेंड इसका भी जो मान होता है वो 1 to 8 के बीच में होता है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर कि रफ़ टर्निंग के लिए रफनेस का मान होता है। फ्रेंड रफ़ टर्निंग के लिए जो रफनेस का मान होता है फ्रेंड वो N9 होता है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर कि पिन टेपर का अनुपात होता है। तो फ्रेंड पिन टेपर का जो अनुपात होता है फ्रेंड वो होता है आंसर होगा आपका फ्रेंड 4:1:50। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है फ्रेंड कि 1 रेडियन बराबर होता है। तो फ्रेंड जो 1 रेडियन बराबर जो होता है फ्रेंड वो होता है 57.3। ठीक है, जो कि आपका आंसर बी में रहा फ्रेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि जॉब की लंबाई कम करके मोटाई बढ़ाने की प्रक्रिया को निम्न नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड उसको क्या कहते हैं फ्रेंड, आप सभी जानते होंगे कि जॉब की जो लंबाई कम करके मोटाई बढ़ाते हैं फ्रेंड तो उसको बोलते हैं अपसेटिंग। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। जो क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा फ्रेंड आपके स्क्रीन के ऊपर कि GI पाइप की मोटाई ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो फ्रेंड GI पाइप जो ज्ञात करने का सूत्र फ्रेंड वो है, आप सभी जानते होंगे फ्रेंड, आपका जो आंसर है फ्रेंड बी होगा। ठीक है, जो कि बड़ा डी माइनस कैपिटल बाई 2 होता है फ्रेंड। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 ये बोला है फ्रेंड कि मूंज मेटल में होता है कॉपर वो, और क्या होता है फ्रेंड। तो मूंज मेटल में जो होता है आप सभी जानते होंगे कि कॉपर वो जिंक होता है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। सॉरी फ्रेंड, मूंज मेटल में जो होता है वो कॉपर वो टीन होता है फ्रेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 ये फ्रेंड कि हैचेट स्टेक का इस्तेमाल कहाँ होता है। तो फ्रेंड हैचेट स्टेक का जो इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड वो फोल्ड करने में करते हैं। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 ये बोला है फ्रेंड कि निम्न में के कारण कास्ट आयरन को फोर्ज नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड आप सभी जानते होंगे कि उसका ब्रिटलनेस के कारण फ्रेंड उसको फोर्ज नहीं किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्या बोला है फ्रेंड 11 नंबर कि स्टेनलेस स्टील एलॉय है। तो फ्रेंड जो स्टेनलेस स्टील होता है वो फ्रेंड क्रोमियम और निकल का एलॉय स्टील का इसका होता है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। 12 क्या बोला है फ्रेंड कि नॉन रिटर्न वाल्व पानी की सप्लाई करता है। तो फ्रेंड नॉन रिटर्न वाल्व जो होता है फ्रेंड वो होता है एक दिशा में। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर देखते हैं फ्रेंड। गन मेटल में होता है। तो फ्रेंड गन मेटल में जो होता है फ्रेंड वो कॉपर टीन डॉट डॉट है। तो आप सभी जानते होंगे फ्रेंड कि गन मेटल में क्या होता है, तो आप सभी आंसर दें फ्रेंड, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या होता है फ्रेंड। ठीक है, तो ये आप सभी का कमेंट्स में बताना पड़ेगा फ्रेंड कि गन मेटल में क्या होता है, और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड आप सभी के एग्जाम के लिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं 14 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला फ्रेंड, कार्य के अनुसार मीडियम कार्बन स्टील पर ब्लेड की पीच व दांतों की संख्या होती है। तो फ्रेंड जो होता है वो होता है फ्रेंड, आप सभी जानते होंगे कि आंसर भी होगा फ्रेंड कि 1.0 व 24 के बीच में होता है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। और आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न ये रहा फ्रेंड कि पाइप को टेम्प्रोरी जोड़ बनाने के लिए कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड आप सभी जानते होंगे कि पाइप का टेम्प्रोरी जोड़ बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है फ्रेंड, तो यूनियन का प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी को फ्रेंड इसमें सेट में फ्रेंड ये आप सभी को सेट करवाया जा रहा है फ्रेंड, जो कि टोटल आपको 30 से 35 सेट्स रहेंगे फ्रेंड, 15-15 का। ठीक है, तो आप सभी को रोज़ ये प्रश्न आएंगे फ्रेंड। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपरेशन करें फ्रेंड, क्योंकि टेक्निकल एग्ज़ाम बहुत ही करीब है और 1 से 2 मंथ में आप सभी को 2 से 3 एग्ज़ाम देने को मिलेगा फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए
आज के लिए इतना ही फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में फिर लेकर के आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फ्रेंड। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें फ्रेंड, और लाइक और शेयर करें, ठीक है फ्रेंड, थैंक यू।